कांग्रेस की जिले भर में यात्रा चल रही है। यात्रा के साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर लगातार तहसील का घेराव भी किया जा रहा है। कांग्रेस की इस दिन अधिकार यात्रा को अब लोगों का जमकर समर्थन भी मिल रहा है। इस यात्रा की शुरुआत पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की जयंती अवसर पर 17 सितंबर को मनगवा से हुई है, जो लगातार जिले के प्रत्येक गांव पहुंच रही है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना है कि लोगों को उनके अधिकार से जुड़ी सुविधाएं प्रदान की जाएं। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कुछ इसी तर्ज पर रीवा लोकसभा प्रत्याशी रहे सिद्धार्थ तिवारी की अगुवाई में जन अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य जिले सहित विंध्य में कांग्रेस के पक्ष में हवा बनाना व कार्यकर्ताओं को संगठित और ऊर्जावान बनाए रखना है। यात्रा लगातार सितंबर माह से चल रही है और साथ ही इस यात्रा के माध्यम से आमजनों के अधिकारों की मांग को लेकर आवाज बुलंद की जा रही है। यह यात्रा मनगवा सिरमौर गुड़ तहसील के बाद आज त्योथर पहुंच चुकी है, जहां तहसील का घेराव कर 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है। यह यात्रा पूरे जिले में निकाली जाएगी। जिले की 827 पंचायत नगर परिषद वार्ड नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में ये यात्रा पहुंचेगी। इस यात्रा का समापन 11 मार्च को पूर्व सांसद सुंदरलाल तिवारी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक बड़े कार्यक्रम के साथ समाप्त होगी। किसानों की समस्या, एरा पशु बिजली, रोजगार जैसी 10 सूत्री मांगों को लेकर यह यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा करने के साथ ही इस दौरान तहसील का घेराव भी किया जा रहा है और ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसके बावजूद काम यहां पर नहीं हुआ। मेरी आत्मा की आवाज कहती है और बताइएगा अगर मैं गलत हूं तो, विकास की रकम की और जनता के प्रति निष्ठा की एक नई शुरुआत करने की आवश्यकता है। एक शुरुआत की एक नई क्रांति की आवश्यकता चौथा क्षेत्र में है कि नहीं है, साथी है कि नहीं है? कहीं भी व्यस्त नहीं है, किसान बेहाल है, कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। सब यहां किसान बैठे, मैं स्वयं एक किसान हूं, परंतु बुआई के बाद 3 महीने 4 महीने जब आप उसके समय बिताएंगे, उसके बाद ये गारंटी नहीं है कि इतनी मेहनत के बावजूद हमारी फसल आवारा पशुओं से बच पाएगी। किसान मेहनत करता है, 3 महीना फसल उगाएगा, परंतु अगर एक रात उसकी याद लग गई तो 3 महीने की तपस्या उसकी एक रात में आवारा पशु को अपन कर देती है। सही बोलो, इस मुद्दे पे बात की क्या? गौ संवर्धन के लिए कोई काम किया क्या? मेरी हमारी सरकार है छत्तीसगढ़ में, गौ संवर्धन का एक मॉडल है। मेरी मांग है इस सभा के माध्यम से कि उसी तरह से गाय, आप लोग यहाँ पर सुबह से मौजूद हैं, आपने देखा कि दसों हजार की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए, हजारों मांग पत्र लेकर के आए। भारतीय जनता पार्टी के 20 साल के शासन के बावजूद जनता कितनी त्रस्त है। त्योंथर तहसील और त्योंथर विधानसभा की जनता 20 साल 25 साल से विकास के लिए तरस रही है। सत्ता पक्ष के विधायकों के बावजूद विकास के कार्य यहाँ पर नहीं हुए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधा रही हो, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो बिजली हो, किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। हमने अपनी 10 सूत्री मांगे आज रखी हैं, ये किसानों की मांगे हैं। सबसे पहली मांग इसमें यह है कि आवारा पशु और जंगली जानवरों से किसानों को निजात दिलाई जाए, जले हुए बिजली के सारे ट्रांसफार्मर 1 हफ्ते के अंदर बनाए जाएं, आने वाले बजट में त्योंथर और तराई के युवाओं के लिए कोई ना कोई ठोस स्कीम सरकार के द्वारा लाई जाए,
प्रधानमंत्री आवास का जो पैसा है उसको बढ़ा करके 3 लाख रुपए किया जाए। तहसील और बाकी ऑफिसों में जो भ्रष्टाचार है उनको तुरंत खत्म किया जाए। थाना जो बर्बरता कर रहे हैं, जिसने कोई गलती नहीं की उसके ऊपर रसूखा लग रहा है, और जिसने गलती की और मर्डर किया उसको छोड़ा जा रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर के आज आपने देखा हजारों की संख्या में हमने यहाँ तहसील का घेराव किया है। सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर इसमें एक्शन होगा। अगर नहीं हुआ तो हम ये चेतावनी देते हैं कि एक आक्रामक आंदोलन जिला हेडक्वार्टर में होगा, और जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी की भारतीय जनता पार्टी सरकार होगी।